हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1 में ये जो हमारे पास टॉपिक थे, फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन, इसके कुछ हमने क्वेश्चंस भी कराए थे। सेकंड हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण, ये पॉइंट भी हमारा लेक्चर नंबर 2 में कम्प्लीट हो गया। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा टॉपिक है यूनिट सेल, इकाई सेल। तो स्पेशली हम देखेंगे इकाई सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इकाई सेल कैसे बनता है, बोर्ड में इसमें इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, पहला है इकाई सेल, इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनिट सेल। अब देखिएगा यहाँ पर स्पेशली कुछ पॉइंट है जो इकाई सेल में हमें क्लियर करने हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा था ठोस किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अणु पास पास होते हैं ठोस कहलाते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री में उन अणुओं को नाम दिया गया है इकाई सेल। ठीक है, आगे देखेंगे ये इकाई सेल किस तरीके से बनते हैं, यूनिट सेल या क्रिस्टल्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, छोटे छोटे ये परमाणु लेते हैं और ये परमाणु एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। ये छोटी छोटी जो जगह यहाँ छोड़ी गई है ये इसलिए जिससे कि आपको ये इकाई सेल आसानी से समझ आता है। प्रत्येक इस परमाणु का केंद्रक होता है, इसे हम बिंदु जालक कहेंगे। और ये किसी भी क्रिस्टल्स के कण का पार्ट है जिसका नाम दिया है यहां पर बिंदु जालक या जालक बिंदु, इंग्लिश में कहेंगे इसे लैटिस पॉइंट। आगे देखेंगे पर्टिकुलर ये एक लैटिस पॉइंट को दूसरे लैटिस पॉइंट से अगर हम जोड़ दें तो इस तरीके से एक इकाई सेल का निर्माण हो जाता है। देखिए बेटा ये क्या बन गया, इकाई सेल, यूनिट सेल। इसी तरीके से आगे इस सीरीज को हम बढ़ाते हुए चलेंगे। आगे और बढ़ा लेते हैं इसे, तो एक इकाई सेल दूसरे इकाई सेल से दूसरा तीसरे से इसी तरीके से ऊपर इसी तरीके से नीचे ये बनता जाता है और एक जाल बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये कंप्लीट एक जाल बनेगा इसका नाम है क्रिस्टल लैटिस या हम इसे कहेंगे त्रिबिंब जालक। अब देखिएगा ये कंप्लीट त्रिबिंब जालक है और त्रिबिंब जालक में ये छोटी सी एक इकाई है, ये यूनिट सेल है। तो यहां पर स्पेशली कुछ डेफिनेशन है, पहला है बिंदु जालक, किसी भी क्रिस्टल्स के सूक्ष्मतम कण जो छोटे छोटे पॉइंट के रूप में होते हैं इसी को हम बिंदु जालक कहते हैं। आगे देखिए ये कंप्लीट एक जाल बन गया जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स इसमें अटैच हैं, तो यहां कहेंगे 3D व्यवस्था को त्रिबिंब जालक कहते हैं। ये डेफिनेशन है त्रिबिंब जालक की, 3D व्यवस्था को त्रिबिंब जालक कहते हैं। और त्रिबिंब जालक में मिलियंस ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल है, तो हम इकाई सेल की परिभाषा क्या देंगे। देखिए त्रिबिंब जालक का सूक्ष्मतम भाग इकाई सेल कहलाता है, त्रिबिंब जालक का सूक्ष्मतम भाग इकाई सेल
कहलाता है। क्लियर। तो ये रहा हमारा इकाई सेल। अब आगे देखेंगे हम इकाई सेल के प्रकार। तो यहां फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए। करें अगला पॉइंट है हमारा इकाई सेल के प्रकार। देखिए बेटा इकाई सेल चार प्रकार की होती है। नंबर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पहला है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फोर्थ है हमारा साइड या एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये हमारे क्यूबिक यूनिट सेल फोर टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट रहता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड देन साइड या एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो हमारा पॉइंट था यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के टाइप्स हो चुके हैं। अब हमें इसी के साथ एक पॉइंट और है पार्टिकल पर यूनिट सेल के। पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या वन बाई वन करके देखते हैं। तो पहला उठाते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल्स या कणों की संख्या ज्ञात करना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना लीजिए। ये रहा हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पर्टिकुलर इसके जो कॉर्नर है आठ कॉर्नर है। क्लियर। अब देखिएगा ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिंगल है। अगर हम यहां पर यूनिट सेल एक और क्रिएट करें इस तरीके से, तो ये वाला जो स्फेरिकल है या गोला है इसका इस वाले यूनिट सेल में भी पार्टिसिपेशन रहेगा। कितना रहेगा? कंप्लीट एक गोला है और इसका एक पार्ट इसमें शामिल हो गया और इसी तरीके से इस गोले का एक पार्ट इसमें शामिल। तो 1/8 पार्ट पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में रहता है और टोटल कॉलम कितने हैं इनटू 8। कैलकुलेशन कर लीजिए 8 बन जा 1 इनटू 1 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इससे शॉर्ट में लिखते हैं SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो 1/8 × 8 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कण ब्रैकेट में लिख लीजिए Z इज इक्वल टू कणों की संख्या कितनी होती है एक होती है और इसे हम Z से शो करते हैं तो Z बराबर एक। इसे नोट कर लीजिए काट देते ना। देखिए बेटा आगे चलते हैं। अभी हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या ज्ञात की थी तो Z इज इक्वल टू 1। आगे देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के प्रकार। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारे सात प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड टेट्रागोनल क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड
ऑर्थोरॉम्बिक क्यूबिक यूनिट सेल, ये सीयूसी लिख दीजिएगा। मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक, ये सात प्रकार के हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसे याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक देख लीजिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ले लीजिए सी, टेट्रागोनल का ले लीजिए टी, तो सी टी। ऑर्थोरॉम्बिक को लिख दीजिए सी टी, उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। तो इस ट्रिक से हम आसानी से ये सात प्रकार के सिंपल क्यूबिक सेल यूनिट सेल को याद कर सकते हैं। कैसे, सी टी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, सी फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, टी फॉर टेट्रागोनल, उर्मिला यानी कि ऑर्थोरॉम्बिक को रहने दीजिएगा, मारता यानी कि मोनोक्लिनिक है यानी कि हेक्सागोनल, रोहित रोम्बोहेड्रल, त्रिवेदी ट्राइक्लिनिक। क्लियर। अब देखिएगा, क्योंकि ये सब यूनिट सेल है और यूनिट सेल किस तरीके का होता है, जिसकी हाइट लेंथ एंड ब्रीथ क्या होती है, इक्वल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अब यहां क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो ये सेवन टाइप्स के हैं, तो डेफिनेट कहीं ना कहीं किसी की लेंथ ज्यादा होगी, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की ब्रीथ ज्यादा होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी लेंथ हम निकाल सकते हैं और इनके एंगल। देखिए बेटा किस तरीके से, क्यूबिक यूनिट सेल में ए बी और सी, ये लेंथ हाइट ब्रीथ कैसा है, इक्वल। बट टेट्रागोनल में लेंथ और ब्रीथ इक्वल, यानी कि सी इज नॉट इक्वल। फिर आगे आएंगे रोम्बोहेड्रल में, ये दोनों ही इक्वल नहीं होता, लेंथ इज नॉट इक्वल, ब्रीथ इज नॉट इक्वल हाइट। मोनोक्लिनिक में भी ये दोनों इक्वल नहीं होते, हेक्सागोनल में एक इक्वल नहीं होता है, रोम्बोहेड्रल में दोनों इक्वल होते हैं, मोनोक्लिनिक में ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसकी एक ट्रिक भी है 01 22 102, आप चाहें तो इसे याद कर लीजिएगा 01 22 102। क्या है, जीरो ए बी सी तीनों इक्वल, ए लास्ट देखिएगा बी इज नॉट इक्वल सी, और टू टू का मतलब दोनों इक्वल नहीं है, वन का मतलब एक इक्वल नहीं है, जीरो का मतलब दोनों इक्वल है, और टू का मतलब दोनों इक्वल नहीं है। आइए इनके एंगल भी चलते हैं। यहां पर देखिए अल्फा बीटा गामा, यहां जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री किसमें है, टेट्राहेड्रल, रोम्बो, ऑर्थोरॉम्बिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज ऑलवेज 90 डिग्री। आगे आएंगे मोनोक्लिनिक में, अल्फा और गामा 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। नेक्स्ट हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 डिग्री बट गामा 120 डिग्री। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक, अल्फा इज नॉट इक्वल बीटा इज नॉट इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। यहां से ज्यादातर बेटा यूपी बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, वो चार ऑप्शन देते हैं आपको, पर्टिकुलर एक ऑप्शन क्लियर करना है। तो इसकी ट्रिक थी, यहां भी ट्रिक है, देखिएगा स्टार्टिंग में अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री है और लास्ट में ये नॉट इक्वल 90 है, सिर्फ आपको ये दोनों ही याद करने हैं। इस तरीके से हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंप्लीट हुआ, अब हम अगला देखेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।